जर्मनी की एक ऐसी महिला पहलवान जो शक्ल से जितनी मासूम है असल में उतनी ही खतरनाक भी है। भारत का एक ऐसा नागरिक जिसके पास है हजारों फोन्स। अमेरिका की इस महिला ने ये टेबल खरीदा। जब इस टेबल का सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए। जानेंगे वीडियो के अंत में। फैक्ट नंबर 9। आपने आज तक कई तरीके के तोते देखे होंगे, पर क्या कभी आपने दुनिया का सबसे भारी तोता देखा है? हम बात कर रहे हैं काकापोकी, जिन्हें आउल पैरट के नाम से भी जाना जाता है। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले ये तोते 2 से 4 किलो तक भारी होते हैं, जिनकी औसत उम्र 40 से 80 साल तक होती है। ये तोते उड़ नहीं सकते, इसलिए अपनी पूरी जिंदगी जमीन पर ही बिताते हैं। ये तोते अब विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके हैं, इसलिए अब इन्हें काफी प्रोटेक्शन में रखा जाता है। फैक्ट नंबर 8। लालच कई बार भारी पड़ सकता है, और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमेरिकन एलिवेटर ड्राइवर्स। अमेरिका में 1940 में फुली ऑटोमेटिक एलिवेटर्स आ चुके थे, लेकिन लोगों को ड्राइवर वाली एलिवेटर्स इस्तेमाल करने की आदत थी, इसलिए कोई भी ऑटोमेटिक एलिवेटर्स का इस्तेमाल नहीं करता था। लोगों की खुद पर डिपेंडेंसी को देखते हुए एलिवेटर ड्राइवर्स के मन में लालच आ गया, और उन्होंने सरकार पर अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो एक दिन ये सारे ड्राइवर्स हड़ताल पर चले गए। इन ड्राइवर्स की एब्सेंस में लोगों को ऑटोमेटिक लिफ्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ा, और फिर लोगों ने ऑटोमेटिक एलिवेटर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसके चलते स्ट्राइक पर गए एलिवेटर ड्राइवर्स कभी काम पर वापस ही नहीं आ पाए। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा लालच आपको कहीं का नहीं छोड़ता। फैक्ट नंबर 7। आपने आज तक कई फीमेल बॉडी बिल्डर्स को देखा होगा, लेकिन आज हम जिस बॉडी बिल्डर से आपको मिलवाने जा रहे हैं उनकी बॉडी देखकर अच्छे शर्मा जाते हैं। मिलिए जेसिका सेस्ट्रीम से। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट की रहने वाली जेसिका पेशे से एक बॉडी बिल्डर है, और ये बॉडी बिल्डिंग में कई नेशनल और इंटरनेशनल मेडल्स जीत चुकी है। जेसिका अपनी बॉडी पर घंटों मेहनत करती है। उनका कहना है कि वो जिम के अंदर एक बीस्ट की तरह हो जाती है, पर जब वो जिम से बाहर निकलती है तो वो एक खूबसूरत महिला बनना भी जानती है, जैसा कि आप उनकी इस वीडियो में देख सकते हैं। जेसिका की इसी बोल्ड और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के लाखों लोग दीवाने हैं। फैक्ट नंबर 6। वैलेंटाइन डे कपल्स के लिए सेलिब्रेट करने का एक दिन होता है, पर उनका क्या, जो कभी कपल बने ही नहीं या फिर जो कपल बनते बनते रह गए। साउथ कोरिया में ऐसे लोग वैलेंटाइन डे की जगह ब्लैक डे मनाते हैं। आप तो जानते ही हैं कि वैलेंटाइन डे के दिन लोग अपने दिल की बात करके कपल बन जाते हैं, लेकिन जिनके साथ ऐसा नहीं हो पाता वो 14 मार्च के दिन यानी कि व्हाइट डे के दिन हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कहते हैं और कपल बन जाते हैं। लेकिन जो व्हाइट डे के दिन भी अकेले रह जाते हैं वो 14 अप्रैल को अकेले रहने का शोक या दुख मनाते हैं, और इस दिन वो काले कपड़े पहनकर इकट्ठे होते हैं और काले सॉस के साथ नूडल्स खाकर अपने दुखड़े सुनाते हैं। फैक्ट नंबर 5। हाल ही में ईरान के पीआर हेड आमिर हुसैन शमशादी ने ईरान के नए टीवी सेंसरशिप रूल्स पारित किए हैं। इन रूल्स के मुताबिक किसी महिला को टीवी एड में पिज्जा सैंडविच या रेड वाइन का सेवन करते नहीं दिखाया जाएगा, और न ही किसी महिला को एड्स में लेदर जैकेट पहने दिखाया जाएगा। यही नहीं, इन रूल्स के मुताबिक किसी भी एड में कोई भी पुरुष महिलाओं को चाय कॉफी या कोई भी ड्रिंक सर्व करते नहीं दिखाया जाएगा, और अगर कोई ऐसा एड टीवी पर दिखाया भी जाता है तो उसे शूट करने वाले एड के डायरेक्टर और एड के ब्रांड पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फैक्ट नंबर 4। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें अलग अलग तरीके की चीजें कलेक्ट करने का काफी शौक होता है, और आज हम आपको एक ऐसे ही मोबाइल कलेक्टर से मिलाएंगे जिनका मोबाइल कलेक्शन देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। मिलिए जयेश काले से। महाराष्ट्र के थाने में रहने वाले जयेश काले के पास 3000 से भी ज्यादा फोन्स का कलेक्शन है। उनके इस कलेक्शन में कई पुराने फोन्स भी शामिल हैं, जिनमें से सबसे पुराना फोन है नोकिया 9000। 35 साल के जयेश अपने कॉलेज के दिनों से फोन्स जमा कर रहे हैं, और अभी तक वे अपने फोन्स पर 20 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। सबसे मजेदार बात तो ये है कि जयेश के सभी फोन वर्किंग कंडीशन में है। आपको बता दें कि उनके फोन कलेक्शन के जुनून ने उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जगह दिला दी है, लेकिन अब उनका टारगेट कुछ और है और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। फैक्ट नंबर 3। एक बार में 1 से लेकर 1 मिलियन तक की काउंटिंग अगर बोलने के लिए कही जाए तो आप कितनी देर में ये काम कर पाएंगे? ये सुनने में जितना आसान है करने में उतना ही कठिन है, और इस काम को किया है अमेरिका के रहने वाले जेरेमाय हार्पर ने। इस काम को जेरेमाय ने एक चैरिटी इवेंट के तौर पर किया था, जिसमें उनके काउंटिंग पर एक पैनी मिली थी, और इस तरह हार्पर ने इस गिनती से 7,50,000 रुपए इकट्ठा किए। जेरेमाय रोज लगातार 16 घंटे काउंटिंग बोलते हैं, जिसे उन्होंने लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया। इस काम को करने में उन्हें 3 महीने गए, और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले इंसान बन चुके हैं। फैक्ट नंबर 2। अगर आप कुछ 100 रुपए में कोई टेबल लाए और आपको पता चले कि उस सस्ती सी टेबल की कीमत करोड़ों रुपए में है तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ हुआ क्लेयर वीगन बैकमेन के साथ। अमेरिका की रहने वाली क्लेयर ने 30 साल पहले एक कबाड़ी से $25 की एक टेबल खरीदी, जिसे उन्होंने बर्गन कंट्री में बने अपने घर में डिस्प्ले में लगा दिया। 30 साल बाद उन्हें पता चला कि उनके पास जो टेबल है उसे 1880 में बोस्टन के फर्नीचर मेकर जॉन सिमोन और उनके बेटे ने बनाया था, और ऐसी केवल 6 ही टेबल बनाई गई थी। इसके बाद क्लेयर ने इस टेबल को ऑक्शन पे लगाया, और ऑक्शन में ये टेबल पूरे $5,41,500 यानी लगभग 4 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इसे कहते हैं किस्मत खुलना। फैक्ट नंबर 1।
आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सुनी होगी। आज हम जिस आदमी की कहानी आपको सुनाएंगे, उन्होंने भी इस कहानी से सीख लेकर विंटर ओलंपिक्स में गोल्ड जीता था। मिलिए स्टीवन जॉन ब्रैडबरी से। ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले स्टीवन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटर है। 2002 में हुए विंटर ओलंपिक्स में स्टीवन सेमीफाइनल तक पहुंच चुके थे, पर सेमीफाइनल मैच के दौरान स्टीवन ने जानबूझकर अपनी रफ्तार को धीमा कर लिया ताकि वो दौड़ने के चक्कर में लास्ट कॉर्नर पाइल अप का शिकार ना बन सके। और जब उनके ओपोनेंट्स फिनिशिंग लाइन तक पहुंचने ही वाले थे कि वो सब एक दूसरे से टकरा कर गिर गए, और धीमे चलने के चक्कर में स्टीवन ने बाजी मार ली और यही स्ट्रेटेजी उन्होंने फाइनल में अपनाई और गोल्ड जीत लिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम आशा करते हैं आज के सभी फैक्ट आपको पसंद आए होंगे। आपको कौन सा फैक्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही मजेदार और यूनिक फैक्ट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हम आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। शुक्रिया।